जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे रेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, एक तो काफी दिनों से इस स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर्स में और भी तमाम स्टॉक्स हैं, लेकिन जितना चर्चा इस स्टॉक की होती है, एलिस्टोन टेक्सटाइल्स की जितनी चर्चा होती है शेयर बाजार में, उतनी शायद ही किसी दूसरी ऐसी टेक्सटाइल्स कंपनी है जिसके बारे में इतनी चर्चा होती हो। इसलिए हम भी अपने चैनल पर समय समय पर इसके बारे में वीडियो लेकर आते रहते हैं, आपको इससे रिलेटेड अवगत कराते रहते हैं कि यदि आपको पहले से इन्वेस्टमेंट है, यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे क्या करने की जरूरत है, कहाँ पे बाई करेगा, और जिसके पहले से इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे सेल करेंगे या होल्ड करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वो भी एकदम आसान भाषा में। यदि यहाँ पर देखेंगे प्राइस में तकरीबन 1.5% की तेजी आज आपको इसमें देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक में देखेंगे, मार्केट में देखेंगे, थोड़ी सी आज निगेटिव, कंपेरेटिवली देखा तो निगेटिव मार्केट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर का, और जो मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, कि एक समय आएगा, वो समय धीरे धीरे आते हुए दिख रहा है, और इसलिए आपको टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है उस पर नजर बना के रखना जरूरी है। यहाँ पर जब आप बीएस इंडिया वेबसाइट पर देखते हैं एलिस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को, तो आप पाते हैं कि इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। रेड फ्लैग यानी कि जो ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी होती है, जिसमें तमाम ज्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में होते हैं। हालांकि एलिस्टोन टेक्सटाइल्स उससे बाहर है, यानी कि ये एक अच्छी खबर है कि इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, और इसमें हाल फिलहाल के दिनों में आपको कोई मुसीबत नजर आती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि इसमें जो बार बार लोअर सर्किट लग जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसके परेशान हो जाते हैं, ये समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी की भी समस्या आपको इसमें नहीं मिलेगी, आप अच्छे तरीके से इसमें बाय सेल कर सकते हैं। और अब उम्मीद है कि चूंकि चुनाव भी आने वाला है, तो आप देखने की मार्केट उम्मीद है उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, तो आपको इस स्टॉक्स में हाल फिलहाल के दिनों में सही लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा आपको इसमें कमाई के अवसर मिल सकते हैं। मैं आगे आपको चार्ट पर इसके बारे में बताऊंगा। नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी ओपन नहीं हो रहा है, बीएससी का साइट अभी सही से काम नहीं कर रहा है, तो नोटिफिकेशन में और भी आपको कुछ अपर सर्किट रिलेटेड इसमें देखने को मिल जाता, कहाँ पे पिछली बार अपर सर्किट लगा था, एक आइडिया लग जाता। खैर, हम चलते हैं सीधे स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और वहीं पर बाकी चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, एलिस्टोन टेक्सटाइल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की जुड़ी, टेक्सटाइल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर में इसका एक अच्छा खासा दमखम है। साथ में ये जो कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करती है, फैब्रिक का निर्माण करती है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करती है, ट्रेडिंग मतलब करती है, उसमें जो ये प्रोडक्ट बनाती है उसमें ट्रेडिंग करने का मतलब है कि उसमें खरीद फरोख्त करती है, यानी कि हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, और उससे इसको कमाई होता है। तो काम काफी बढ़िया है, क्योंकि ओवरऑल जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सेक्टर ही काफी ग्रोथ वाला है। अब बात करें यदि फंडामेंटल का, चूंकि फंडामेंटल यहाँ पर देखेंगे 100 करोड़ से कम है, हालांकि हम बार बार अपने वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी यदि पेनी स्टॉक पर उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर है, तो उसे ठीक ठाक समझा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कम है ओवरऑल। और जब इसका फंडामेंटल और बेहतर होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का पी 12 के आसपास है, यानी कि बहुत ही शानदार पी है, पी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, 20 से नीचे हो तो और भी जबरदस्त माना जाता है, यानी कि ये एक बाइक करने के लिए सही समय हो सकता है। लेकिन सिर्फ स्टॉक का पी देख हम बाई नहीं करेंगे, हम और भी चीजों को समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग आगे देखेंगे चार्ट पर, फिर वहां पर हम लोग लेवल निकालेंगे, कहाँ पर बाई और कहाँ पर सेल करना है। यहाँ पे शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव बात है, शेयर प्राइस को हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। और सबसे जो मतलब कह सकते हैं तकलीफ देने वाली बात है कि शॉर्ट टर्म में, वो ये कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो देखिए, फंडामेंटल थोड़ा सा हमें वीक नजर आ रहा है, ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जब उसका ग्रोथ है और उस सेक्टर की ये ग्रोइंग कंपनी है, तो आने वाले समय में इसमें जब तेजी आएगी तो फंडामेंटल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या नया करना भी चाहते हैं, तो इसमें आपको समय देना होगा, ये बात आप मानकर चलिए। समय देंगे तो एक अच्छा कमाई का मौका आपको इसमें मिलेगा। एक साल के चार्ट जो आप देखते हैं, तो पाएंगे कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, 60 पैसा से लेकर 80 पैसा के बीच में स्टॉक का प्राइस आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। और आप यह भी जानते हैं, कोई भी स्टॉक बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन में नहीं रहता है, उससे बाहर निकलता है, और 90 से 95% चांस होता है जब भी स्टॉक इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि इसमें ब्रेकआउट होता है। मतलब इस स्टॉक में जल्दी आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, और ब्रेकआउट होगा तो इजिली इसका प्राइस आपको सबसे पहले तो इस लेवल के आसपास आएगा, जहां पे पहले से इसने हाई बनाया था, और उसके बाद इसको जब ब्रेक करेगा तो 2 से 2.5 रुपए तक, शॉर्ट टर्म में बात करो, यहां तक जाते हुए आपको दिखेगा। यानी कि जो मैं आपसे कह रहे थे कि इस स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलने वाली है, वो तेजी का समय आ रहा है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, तो इस लेवल के बाहर निकला 80 पैसा का लेवल, तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिएगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा वेट नहीं करना होगा मुनाफा कमाने के लिए, और बाकी पहले से इसका इन्वेस्टमेंट है उसे बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसमें समय दीजिए, इसमें अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।